ये मेरे ख्याल से जो ऊंटों के ऊपर सोफिया की तस्वीर जो है वो पेंट की हुई है। ये नाम भूल गया यार, इसे नाम याद था लेकिन देखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जी माशाल्लाह चांद रात है इधर, और आज ये हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं वो खुली हैं हमारे घर के नज़दीक। ये थोड़ा सा वो आज खोली गई है, मैं आज विज़िट करने आया हूँ यहाँ पे। म्यूज़ियम भी है, और इसके अलावा ये कुछ हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं, जो चीज़ें हैं इनकी, वो यहाँ पे नक्शे वगैरह भी बना के रखे हैं। और यहाँ पे कुछ वो जदीद औजार थे उस वक्त के जो ये इस्तेमाल करते थे, और यहाँ पे ये म्यूज़ियम टाइप बना के इन्होंने ये पूरा सजावट किया हुआ है। तो आज मैं आपको इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी जितना मुझे पता है, जितना इलम है वो बताऊंगा, और बाकी दिखाऊंगा कि किस तरह से ये उस दौर के जदीद आलात इस्तेमाल करते रहे हैं, और क्या इधर किस क्या क्या सहूलत है, क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं इधर इस म्यूज़ियम में। तो अभी मैं विज़िट कर रहा हूँ और आपको बताऊँगा ज़रूर इंशाल्लाह, और दिखाऊँगा। और यहाँ पे इवेंट की कुछ तैयारियां हो रही हैं, ये कुर्सियों वगैरह सेट की जा रही है। और यहाँ पे पुराने सोदिया की तस्वीर जो है वो पेंट की हुई है। हालात Sword and that is paired with this rifle. They struggled fiercely until Ajlan was finally pulled back from the gate of the Masbak. But Jawi and Abdulaziz managed to force the small gate and enter the fort, enabling the main gate to be opened to let in the rest of the men. ऐसी गंज बड़ी पड़ी है इधर।
ये हवा मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। यह अजीब वो नक्शा जिसके अंदर हम अभी खड़े हैं। गन्नों का अंबार, और ये मेरे ख्याल से पानी पीने के लिए ये वाला सिस्टम। ये वो किला है जिसके अंदर हम अभी खड़े हैं, और ये एक म्यूजियम टाइप इस वक्त बन चुका है। ये जी सारे खानदान की मेरे ख्याल से तस्वीर। ये वो औलाद है जो पुराने ज़माने में मेरे ख्याल से जिससे ये खुदाई वगैरह काम चलता रहा है। खाली है फिलहाल। ये मेरे ख़्याल से जो ऊँटों के ऊपर सामान रखने के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती थी, ये मेरे ख़्याल से वो बनाई गई है। पता नहीं इसका नाम क्या है, क्या बोला जाता है, मुझे नहीं पता फ़िलहाल इसके बारे में। और सेम ये मेरे ख़्याल से वो ही है जो ऊँटों पे सामान रखने के लिए इस्तेमाल होती है और बैठा जाता है ना, ये वो ही है लकड़ी। इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा। ये चीज़ जो है ना भाई, ज़िंदगी में पहली बार देखी है ज़िंदगी में ये चीज़। ये नाम भूल गया यार, इसे नाम याद था लेकिन देखी ज़िंदगी में रियल लाइफ में पहली दफ़ा। और ये इधर कुआँ, ये अजीब वो नक्शा जिसके अंदर मैं अभी खड़ा हूँ, ये सारा मॉडल यही है म्यूजियम। ले जी यहाँ से एग्जिट है हमारा। मैं बताता हूँ स्टार्ट कहाँ से किया था और घूम फिर के वापस हम कहाँ पे आ गए। वो कमरा था जिधर से हमने वो ये वाला जैसे स्टार्ट किया था, और पीछे से सारा घूम घाम के वापस हम यहीं आ गए। और यहाँ पे जहाँ पे ये बंदे आ रहे हैं यहाँ से हमारा एग्जिट है। ये कुछ डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए हैं जो सऊदीया में इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी पीने वाला प्याला, वुडन प्लेट फॉर सर्विंग फूड। अच्छा स्टार्ट किया हुआ था और ये प्रिंट करके लगा हुआ है। ये है वो जगह जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं। ले जी ये जो टूर था हमारा मुकम्मल हो गया पीछे जो आपने देखा। अभी हम एग्ज़िट करके जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमारा यहाँ पे टूर ख़त्म हो गया और तकरीबन 11 बजे का टाइम हो चुका है। वापस जाना, कुछ तैयारियाँ करनी है क्योंकि सुबह ईद है और आज ये म्यूज़ियम खुला है। मेरे ख्याल से पीछे बंद था, शायद मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन शायद आज खुला है तो आज मैं ये विज़िट किया और आपको भी दिखाया। अभी जा रहा हूँ मैं एग्ज़िट करने वापस, यानी कि वापस जा रहा हूँ घर। और इसके अलावा कुछ जाके तैयारियाँ करनी है। और ये देखें इस तरह की जो ये गन्स है ना, ये बड़ी बड़ी हुई हैं अंदर, और वो नाइफ और तलवारें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर देना, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। तो भाई वापस जा रहा था मैं घर अपने, और अभी अभी मुझे पता चला कि यहाँ पे DSLR कैमरा वगैरह या मोबाइल के अलावा कोई भी कैमरा यहाँ पे अलाउ नहीं है। और अगर आप भी विज़िट करें तो मोबाइल के अलावा कोई भी कैमरा यहाँ पे नहीं लेके आइएगा, बाहर ही रोक लेते हैं या फिर आपको अंदर नहीं जाने देते अगर आपके हाथ में वो कैमरा मोबाइल के अलावा कोई भी कैमरा देख लें तो।